लिसनर्स, तो आज हम बनाने वाले हैं मसाला खीमा मैक्रोनी। मसाला खीमा मैक्रोनी का सॉस तैयार करेंगे। हाफ टी स्पून कलौंजी का तेल लेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे मैं लूँगी ऑलिव ऑयल लूँगी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून लूँगी सोया सॉस को। 2 टीस्पून लेंगे टमाटो सॉस और 1 टीस्पून लूँगी मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल। 1/2 टीस्पून देसी घी, 1 टीस्पून शुगर और 1 टीस्पून लाल मिर्च और थोड़ा सा विनीगर ऐड करने के बाद सारे मसाले मिक्स करके रख लेंगे। तड़का तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे एक फ्राइंग पैन ले रही हूँ। उसमें करीबन ऐड कर रही हूँ 60 ml ऑयल। फर्स्ट ऐड करेंगे हम इसमें लहसुन की कलियाँ। इनको भी अच्छे से तलेंगे जब तक कि ये थोड़ी सी नरम और थोड़ी सी ब्राउनिश नहीं हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने 5 से 6 हरी मिर्च ऐड के लिए हैं। इनको भी अच्छे से भून लूँगी। जब ये अच्छे से भून जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज। 1 कटोरा लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने लिया है प्याज को करीबन 10 से 9 प्याज लिया है मैंने। 1 kg मैक्रोनी मसाला बना रही हूँ, इसीलिए 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इन मसालों को भी अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएंगे तो हमारी सॉस तैयार करके रख ली थी हमने, उसको ऐड कर लेंगे। उसको भी अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। करीबन 2 टीस्पून टमाटो सॉस ऐड कर लिया है मैंने और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 कप धनिया। धनिया का पत्ता ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करके इन सारे मसालों को पकाएंगे। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 किलो मटन का कीमा, दरदरा पीस लिया था। इसको अच्छे से पकाने के बाद मिक्स करके प्याज और कीमे को अच्छे से 2 मिनट के लिए मैं पका लूँगी यहाँ पे। जब मसाला अच्छे से नरम हो जाएगा तो हम इसमें और कीमा अब अच्छे से पक चुका है तो हम इसमें ऐड करेंगे मैक्रोनी को। मैक्रोनी ऐड करने के बाद अच्छे से पका लेंगे मसाले और मैक्रोनी को मिक्स करके। तो ये देखिए मेरी अब मैक्रोनी मसाला कीमा मसाला रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो दूसरों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय।